नमस्कार, मैं महक और आप देख रहे हैं हरियाणा की खबर। सीबीएसई ने टर्म 2 की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस कड़ी में सभी संबंधित स्कूलों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। डीएवी स्कूल के कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार ने बताया कि टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अब की बार बोर्ड परीक्षाएं सेल्फ सेंटरों पर आयोजित नहीं करवाई जाएंगी। बता दें कि इससे पहले टर्म 1 की बोर्ड परीक्षाएं सेल्फ सेंटरों पर ही संपन्न करवाई गई थी। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि टर्म 2 की परीक्षा के दौरान भी कोविड गाइडलाइंस का पालन सख्ती से लागू किया जाएगा। 26 अप्रैल से शुरू होने वाली टर्म 2 की परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा का समय कम देने के पीछे सिलेबस को कम करना बताया गया है। इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रश्न पत्र सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर के पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। आज के लिए इतना ही। बाकी की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।